हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज मैं और यश साथ में हैं और हम अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। इनकी क्लास है, अभी थी ना या ख़त्म हो गई? एक क्लास हो गई, एक रहती है अभी। तो अभी हम बिजनेस बिल्डिंग जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का टूर करेंगे थोड़ा बहुत। वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। और उसके अलावा हमको एक चीज़ और बतानी है सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में, कि कैसे अप्लाई करते हैं, कितना खर्चा आ जाता है, और डोर सुपरवाइज़र और सीसीटीवी वाला सब चीज़ें बताएंगे आपको। तो बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो। तो हम आगे चल के आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये रही बिजनेस बिल्डिंग, ये मैंने आपको दिखाई हुई है। यार कैमरा में कितनी गंदी लगती है ना ये ऐसे। ये देखो, ये पूरी बिजनेस बिल्डिंग है, लाइब्रेरी, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी हम अभी जा रहे हैं अंदर क्लास में। ये देखो, ये है पूरी बिजनेस बिल्डिंग और ये जा रहे हैं। यश क्या बता रहे थे वो बताना, हैंडशेक का। मैं कह रहा था यहाँ पे इधर आके पे यहाँ पे अब हैंडशेक का भी कोवेंट्री ने ओपन किया है, जिसमें हम अपने सीवी बिल्ड कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए जो भी है। ये अभी इन्होंने अच्छी चीज़ करी है। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ और सीवी अपने इधर से ही। वहाँ पे लगा उसका बोर्ड, उस तरह से लगा था यहीं पर। स्कैन कर लेना। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से लिफ्ट भी है यहाँ, तो पैदल चले। चलो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे लैब्स बनी है, बिजनेस लैब्स, बिजनेस की भी लैब्स होती हैं। चलो देखिए यहाँ पे, राइट हैंड साइड ये क्या है, क्लासरूम। तो गाइज अभी हम बिजनेस बिल्डिंग से बाहर निकल गए हैं। अभी आपको बिजनेस बिल्डिंग दिखाई है, देखिए ना कैसी है। तो अच्छी है काफ़ी बिजनेस बिल्डिंग। और अब कहाँ दिखाएं यार, यूनिवर्सिटी के टूर में लाइब्रेरी दिखाते हैं थोड़ी बहुत है। मैकबुक भी रखे हुए हैं ऊपर, वो भी दिखाते हैं। आई मैक, सॉरी आई मैक, यार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ यार। चलो दिखाते हैं आई मैक्स। ये देखो, ये है लाइब्रेरी। यहाँ पर टैप करना है, खुल गया, गए जाओ बस। ये देखो, ये लाइब्रेरी। एक चीज़ और, लैपटॉप भी फ्री मिलते हैं स्टूडेंट आईडी के ऊपर ना, है ना, नीचे मिलते हैं फ्री में। लैपटॉप लेके जा सकते हैं आप, मतलब यूज़ करने के लिए, खाली अपने पास हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के वाले भी मिलते हैं, उसका अलग तरीका है। एक चीज़ और ये बता रहे थे, बताओ। तो जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ, कईयों के पास इंडिया वाला नंबर रजिस्टर होता है आईडी लॉग इन करने के लिए बेसिकली, हाँ, हाँ, और ईमेल भी कई बार भूल जाते हैं कुछ लोग, हाँ, तो जैसे वो चेंज कराना होता है ना, वो लाइब्रेरी में आना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर पे। डिजिटल डिजिटल सर्विसेज है उसके पास, होगा वो वहाँ पे आके करा लेना चेंज, हो जाएगा चेंज सिंपल। एक रूम दिखाता हूँ, ये सारे आई मैक्स लगे हुए हैं, सारे एप्पल के हैं, देख लो। क्या चलाना है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्या करना है चला के आपको कुछ नहीं होगा। देखो यार, प्राइवेट रूम्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं ना, उनकी वीडियो शूट होती है, ग्रुप असाइनमेंट्स वगैरह भी। कौन सा, ये लेफ्ट वाला, इसमें क्या है? अच्छा चलो, ये है लाइब्रेरी का थर्ड फ्लोर, देख लो। और कुछ है नहीं है, बस यहाँ पे यही है, मतलब और क्या ही चाहिए होगा पढ़ने वाले बच्चों को, है ना, यही चाहिए होता है बस, स्पेस चाहिए होता, स्टडी स्पेस। और वो है बहुत है। ये देखो गाइस, मैंने ना कैमरा एंगल चेंज किया है ऐसे करके, तो ऐसे भी सही आ रही है मेरे को लग रहा है वीडियो क्वालिटी वगैरह।
बहुत अच्छी आ रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। ये देखो गाइस, ये है इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो कि मैंने आपको बहुत बार दिखाई है, बट फिर भी एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर गाइस, ये हमारी फ्लाइट सामने जाने वाला है, और ये है सामने गुलशन रोड। क्या कह रहे हैं बात दोबारा बोलना। है तो सही यार, 18 लाख में स्कूल तो है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। मेरी बिल्डिंग से तो अच्छी है यार। हाँ। देख ले मेरी वाली है ये बिल्डिंग भाई, कितना लग्जरियस है। क्या लग्जरी है यार, ये है तो है बस। है ना, मन तो करता है यहाँ आगे पढ़ो यार। अच्छा पढ़ाई करो तभी इन्होंने कर रखा है, तभी 18 लाख रुपये फीस लेते हैं एक साल की ना। अब तो 20 लाख हो गई। चलो ऐसे कुछ अलग कंपार्टमेंट से हैं, यहाँ पे देखते हैं बैठ के कैसा लगता है। कंफर्टेबल लग रहा है बड़ा ना। अपनी आवाज़ यहाँ पे अपनी सुनाई दे रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है थोड़ी थोड़ी, वही एको सी आ रही है। यहाँ पे ना वो हो जाती है, साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, मेरे कानों में मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे रख के अपनी पढ़ाई करेंगे, ये पास भी आ जाता है ऐसे देखो। यहाँ पे रख के पढ़ाई करेंगे। अब हम दोबारा जा रहे हैं इंजीनियरिंग बिल्डिंग, BSB बिल्डिंग से, बीटर शिलिंग बिल्डिंग से इंजीनियरिंग बिल्डिंग में। तो अब हम वहाँ पे जाके वो देखेंगे, जेट नहीं है जो यहाँ पे, हमको लगा था यहाँ पे है न्यू बिल्डिंग है, बट यहाँ है नहीं है, अगली वाली बिल्डिंग में है। ये देखो अभी हमें इंजीनियरिंग बिल्डिंग, ये क्या यहाँ पे पार्किंग भी है। एनीवेज हम अभी अपना इंजीनियरिंग बिल्डिंग में, और नीचे दिखाओगे प्लेन है यहाँ पे तो यार। आगे चढ़ भी सकते हैं, अंदर बैठ भी सकते हैं। भाई साहब कैप्सूल्स बने हैं इस पे, अभी तक काम चल रहा है क्या? पता नहीं। अच्छा ये देखो, ये रॉकेट जो होता है ये अलग हो जाता है इससे ना, ऐसा नहीं लग रहा है ये जो है ये वाला कैप्सूल सर? हाँ अलग सर, जो अलग हो जाता है रॉकेट जब बिल्कुल आसमान में चला जाता है तो पार्ट्स नहीं छोड़ देता कुछ। देखो गाइस, ये हैमस्ट्रॉन्ग सिडले टर्बोजेट इंजन लग रहा है, ये इंजन टर्बोजेट का इंजन एटा बड़ा इंजन। वो हम वहाँ पे थे अभी ऊपर, देखो वो रिपीटर शिल्डिंग बिल्डिंग और वो जो दो बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करती है। हाँ सही लग रहा है, गुलशन रोड। ये है स्टूडेंट सेंटर, जस्ट इंजीनियरिंग बिल्डिंग के साइड में है ये स्टूडेंट सेंटर। ये देखो गाइस, ये है स्टूडेंट सेंटर। तो ये था गाइस स्टूडेंट सेंटर। कुछ भी BRP से रिलेटेड इशू हो, फीस से रिलेटेड इशू हो, वीज़ा से रिलेटेड इशू हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो मतलब आउटसाइड जो मैटर्स होते हैं अपने, एक्सटेंशन वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी, एडमिशन्स वगैरह, तो यहीं पे आना, ये स्टूडेंट सेंटर सब चीज़ों का हल है। हालांकि थोड़ा टाइम लगाते हैं, वेट बहुत कराते हैं, ये कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो, बड़ा टाइम लगाते हैं, बट यही सब कुछ पसाद की जड़ है तो यहीं पर सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं हूँ गाइस सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। आई होप वैसे तो यार सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है ना। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो है गाइस सामने हब, और वो नई बिल्डिंग बन रही है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की, उसका मेरे को नाम भूल गया। हाँ आर्ट्स की, आर्ट्स एंड गैलरी की है कुछ ना, वो वाली सामने वाली, उसका मेरे को नाम नहीं पता अभी, मैं भूल गया। और ये सामने है एलन टेरी बिल्डिंग, ये आप देख सकते हो, और वो सामने है हब गाइस प्रायरी हॉल, सामने वाला उधर वाला सबसे कोने वाला, और ये यूनिवर्सिटी का कुछ सेंटर है, पेपर वर्क वगैरह ना, यहाँ पे सब पेपर वर्क वगैरह होता है। हाँ इस जगह पे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, अंदर चर्च है ये, वो देखो सब कुछ ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है सबकी, यहीं पर हुई थी जीसस की प्लेस में। तो गाइस अब हम सिटी सेंटर आ गए हैं, बस एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, वैसे तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का पूरा टूर कर दिया वैसे तो, है ना ऑलमोस्ट, कुछ छोटी मोटी जगह रह गई होंगी तो रह गई होंगी, बाकी कोवेंट्री तो हर जगह है ही है यहाँ पे, मतलब कोवेंट्री के सराउंडिंग। एनीवेज तो एंड करते हैं आज की वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर उनके साथ ही, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है, कल या परसों में वो भी वीडियो आ जाएगी। तो स्टे अपडेटेड और देखते रहो, अभी हम जॉब का पता करने जा रहे हैं वैसे। ओके बाय।